स्टार्टिंग में हम देखते हैं रुकिया कहीं जा रही होती है, तभी वो इचिगो से रिलेटेड सारी बातें याद करती है और बोलती है, मैं एक सोल रिपर हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे वापस सोल सोसाइटी जाना होगा। तभी हम एक सोल रिपर को देखते हैं और वो अटैक करने लगता है रुकिया पे। तभी रुकिया बोलती है, रेंजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रेंजी अटैक करता है रुकिया पे और बोलता है, तुमने सोल सोसाइटी के रूल्स को तोड़ा है, तुम भले 2 महीने से ये गीगाय में हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम वीक हो गई हो रुकिया। कुछ बोलो रुकिया और जल्दी बताओ वो ह्यूमन किधर है जिसने तुम्हारी सारी पावर्स छीन ली। तभी रुकिया बोलती है, मैं भले अभी एक गीगाय में हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है, और तुम्हें किसने बताया कि वो ह्यूमन है। तभी रेंजी रुकिया को बोलता है, देखो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो एक ह्यूमन ही था। तभी रेंजी रुकिया को बोलता है, तुम मेरे साथ ही बड़ी हुई हो और अब तुम एक नोबल फैमिली में एडॉप्ट हुई हो, क्या हुआ मैं तुम्हारे साथ रुकिया, ये ह्यूमन इमोशन तुम्हारे अंदर है, मैंने सही कहा ना कैप्टन कुचुकी। तभी रुकिया कैप्टन कुचुकी को देख के बोलती है, बया कुया ये तुम हो ब्रदर, और शॉक हो जाती है। तभी रेंजी अटैक करता है रुकिया पे और बोलता है, ह्यूमन को पावर शेयर करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये तो कमांडर अच्छे हैं कि उन्होंने ये ह्यूमन हमें हैंडल करने दिया, वरना तुम्हारा सामना एग्जीक्यूशन से होता। अभी तुम सब बताओ कि वो ह्यूमन कहाँ है, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे जिसने तुम्हारी पावर्स को तुमसे छीन लिया और उसे मार देंगे। तभी रेंजी फिर से अटैक करता है रुकिया पे। तभी वहाँ उर्यू आता है रुकिया को बचाने के लिए। तभी उर्यू बोलता है, 2 बंदे एक लड़की को मार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी रेंजी बोलता है, अच्छा तो तुम हमें देख सकते हो, तो बताओ तुम कौन हो। तो उर्यू बोलता है, खाली एक क्लासमेट जो सोल रिपर से नफरत करता है। तभी रुकिया बोलती है, उर्यू इशिडक तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उर्यू बोलता है, मैं बस शॉपिंग करने गया था और यहाँ से जा रहा था, तो मैंने तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया तुम्हें बचाने। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने ये सोल रिपर्स को महसूस किया हो और साथ में शॉपिंग का झूठा बहाना देके तुम्हें बचाने आ जाऊं। तभी रेंजी वापस से पूछता है, तुम कौन हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। तभी रुकिया बोलती है, इसने कुछ नहीं किया है, तुम इसे कुछ मत करना। तभी उर्यू बोलता है, मैंने तुम्हें बोला कि मैं क्लासमेट हूँ रुकिया का, जो सोल रिपर से नफरत करता है। तभी रेंजी बोलता है, मैं अभी तुम्हें 2 हिस्सों में काट दूंगा। तभी हम देखते हैं कौन बाथरूम में बंधा हुआ होता है। जैसे ही इचिगो बाथरूम में जाता है, तभी उसे कौन की आवाज़ आती है और इचिगो कौन को वहाँ से निकालता है। तभी कौन इचिगो को बोलता है कि रुकिया ने मुझे वहाँ पर बांधा था और अभी रुकिया मुसीबत में है। तभी कौन इचिगो को रुकिया का लेटर बताता है और इचिगो फिर लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, थैंक यू इचिगो मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी कौन बोलता है, मैं जैसे ही घर पर आया तब मैंने देखा रुकिया को ये लेटर लिखते हुए, और मैं जैसे ही उसे रोकने गया तो उसने मुझे यहाँ बाथरूम में बांध दिया। तभी इचिगो बोलता है, ये रुकिया कोई रीज़न दिए बिना ही यहाँ से चली गई, ऐसा क्यों किया उसने। तभी कौन बोलता है, तुमने देखा ना लेटर में लिखा है कि इसे जला दो और तुम छुप कर रहना। तभी इचिगो और कौन समझ जाते हैं कि रुकिया का कोई पीछा कर रहा है सोल सोसाइटी से।
तभी इचिगो सोल रीपर बनता है और रुकिया को ढूंढने लगता है। बट जब इचिगो सोल रीपर बनने लगता है तब वो कोन को मुंह में से सब्स्टिट्यूट पिल निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे उराहरा आता है और अपनी स्टिक से इचिगो को मार के सोल रीपर बना देता है। फिर हम देखते हैं रेंजी ने उजू को हरा दिया होता है। तभी रेंजी अपना इंट्रो देता है, रेंजी एबाराई, मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी वहाँ पे इचिगो आके उरियू को बचाता है। तभी रेंजी भी समझ जाता है कि इसके पास एक अनोखी पावर है, इसके जान पाक तो बहुत बड़ी है। और रेंजी बोलता है, मैं समझ गया तुम्हें, तुमने ही रुकिया की पावर चुराई है। इचिगो पर अटैक करता है और इचिगो और रेंजी की फाइट स्टार्ट होती है। तभी रेंजी इचिगो के शोल्डर पर मार के इंजर्ट कर देता है। तभी रुकिया बचाने के लिए जाती है तो उरियो रुकिया को रोक लेता है और बोलता है, मत जाओ, रुकिया को इचिगो को फाइट करने दो। तभी रेंजी बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम जैसे ही मरोगे तभी रुकिया को अपनी पावर वापस मिल जाएगी और रुकिया सोल सोसाइटी वापस चलेगी मरने के लिए। रेंजी बोलता है, तुम पागल हो रुकिया, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे अकेली आई क्योंकि तुम्हें कुछ ना हो, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था, पर नहीं, तुम्हें हीरो बनना था तो तुम यहाँ पे आए और अब ये असली सोल रिपर एक फेक सोल रिपर को मार देगा। तभी इचिगो अपनी स्वॉर्ड से रेंजी के फेस पर मारता है और रेंजी को बोलता है, तुम बातों में इतना बिजी हो गए कि तुमने अपना शोल्डर डिफेंस लेस कर दिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी कैप्टन बयाकू या कुचुकी रेंजी को बोलता है, तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था रेंजी, यह यंग लड़का इचिगो कुरोसाकी, एक सीक्रेट रिमोट स्क्वाड से रिपोर्ट आई थी आज कि ये बच्चे ने अकेले ही मेनोज ग्रांडे को हरा दिया और उसे वापस से वेको मुंडो में भेज दिया। तभी रेंजी हंसकर बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो, सीक्रेट रिमोट स्क्वाड सो रही होगी, क्या मजाक है ये बच्चे ने मेनोज ग्रांडे को चोट पहुंचाई और कौन बिलीव करेगा इसकी बात पर कैप्टन, और एक बार उसकी जानपाक्टो को तो देखो, ये अपनी जानपाक्टो और स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और इचिगो से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारी जानपाक्टो का, तो इचिगो बोलता है, मेरी जानपाक्टो का नाम, तो रेंजी बोलता है, तुम्हें अभी तक नाम नहीं पूछा अपनी जानपाक्टो से, तो इचिगो बोलता है, किससे पूछा, रुकिया से, और तुम्हारी स्वॉट का नाम भी नोट है क्या, भी होते हैं क्या। रेंजी बोलता है, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं पता सोल रीपर के जानपाक्टो के बारे में, और तुम खुद को एक सोल रीपर कहते हो तो तुम 2000 साल के बाद आना मेरे से फाइट करने के लिए। और उसकी स्वॉट पर हाथ घुमा के बोलता है, रोर जाबी मारो और हरा दो तुम्हारे दुश्मन को, और अपने स्वॉट से इचिगो को बुरी तरह से इंजर्ट कर देता है। और तभी एपिसोड खत्म।